बना तो ये पीएनबी वाले भी दे। हां तो लाल लोग तीनों लोग खड़े हुए हैं। लाइव हो गए। आज यूनाइटेड फोरम आप भी बनकर के नोटिस पर हम लोग चीफ लेबर कमिश्नर के ऑफिस में बैंक कर्मचारियों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर आए और 12:30 बजे से लेकर और अब तक एक बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। सभी बैंकों के प्रतिनिधि आए। यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स की ओर से हमारे राहुल मिश्रा जो ऑफिसर यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार और हमारे उत्तर प्रदेश के वी बैंकर के वर्तमान के अध्यक्ष हनी मुलजानी और रिटायरिस्ट की ओर से पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड GM विनय खन्ना जी ने इसमें भाग लिया। हम लोगों ने यह स्पष्ट किया कि ये चूंकि यह समझौता औद्योगिक विवाद अधिनियम के सेक्शन 18(1) के तहत है, इसलिए यह समझौता केवल उन्हीं लोगों पर लागू है जिन लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स ने 2020 में इंडियन बैंक एसोसिएशन की कॉम्पिटेंस को, अथॉरिटी को, ज्यूरिडिक्शन को, राइट को, पावर को चैलेंज किया। जो मामला नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने लंबित है, हमने इन बातों को रेखांकित किया और हमने ये बात कही कि बैंकिंग उद्योग में गैर प्रजातांत्रिक तरीके से, अनैतिक तरीके से 10-15 लोगों का गिरोह बैंक कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल जाकर समझौता करता है। हमने जो इस 12वें B25 समझौते के तहत जो वर्तमान कैडर पर ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, उनकी पासिंग पावर बढ़ाई गई है, उस पर 5-day बैंकिंग के ऊपर और जो हम पहले से एक लड़ाई लड़ रहे हैं रेगुलेशन 22 की रिजाइनिस को और जो लोग डिसमिस हैं उनको पेंशन न दिए जाने को, यानी तमाम मुद्दों को हमने आज यहाँ पर उठाया है। हम कानपुर पहुँच कर आपको डिटेल में आज क्या हुआ, कितनी बैंकों के लोग आए, क्या प्रोसीडिंग है, ये सारी चीज़ें देंगे। आप सभी से हम केवल यह अनुरोध करते हैं कि आज आम बैंक कर्मचारियों की आवाज़ केवल यूनाइटेड फोरम आपकी बैंकर के द्वारा उठाई जा रही है। आप इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाइए, आगे आइए, मोर्चे से अगुवाई करिए, अपनी ताकत दिखाइए उन 10-15 लोगों के गिरोह को जो कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नाम पर बैंक कर्मचारियों का अहित कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों से अनुरोध है, अपील है कि आप इस लड़ाई को अपनी लड़ाई माने और आगे आकर मोर्चे से अगुवाई करें। जय हिंद, जय भारत।